अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो ने इस टॉपिक की है कि यूके में जो रवांडा बिल है फाइनली वो मतलब पास हो चुका है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी लगा, ठीक है, इसमें अपील भी हुई और फिर दोबारा ये मतलब कि पास हो चुका है और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। और मंडे से नेक्स्ट वीक मंडे से जनाब पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी भाई लोगों की, ठीक है। इसमें होगा क्या कि लोगों को पकड़ के जहाज़ में बैठाएंगे और सीधा रवांडा पहुँचाएँगे, ठीक है, फिर आपकी ज़िंदगी उधर ही गुजरेगी। मतलब आपने 20-25 लाख, 30 लाख, 40-50 लाख रुपया खर्च किया, आप मतलब है कि मुख्तलिफ मुल्कों से होते 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 फ्रांस से, आप फिर आप मतलब उधर से भी बड़ी कोशिश करने के बाद आप यूके में किसी तरीके से लैंड कर गए। वाह जी वाह, अब इन्होंने ऐसी गेम डाली है ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी लोगों के साथ ऐसे लोग जो इलीगल एंटर होते हैं या कि इलीगल हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसी ही रखी हुई है गेम के समंदर के बीच में एक छोटा सा आयरलैंड है, वहाँ सारे इमिग्रेंट्स रहते हैं, उधर से ही उनका सारा सिलसिला होता है और ज़िंदगियाँ उधर ही गुजर जाती हैं। अब ये है कि पाकिस्तान भी अच्छा मुल्क है, बांग्लादेश भी अच्छा है, इंडिया भी अच्छा है, ठीक है। अब आप लोग इधर से जाओगे जनाब मन लाखों रुपया खर्च करके और अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल के आप जनाब साहब पहुँचोगे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड वाले आपको पकड़ के सीधा जहाज़ में बिठा के रवांडा में भेज देंगे। और इन्होंने पहले ही आपको बता दिया ये वन वे टिकट होगा, कोई उधर से ये ऐसे ही उन्होंने आपको मतलब कि अखबारों में ऐसे लिखा हुआ है जी कि भाई जी रवांडा से आपका केसेस अप्लाई होंगे, फिर जिसका केस पास हो जाएगा वो वापस आ जाएगा यूके में, उसको मतलब है कि जी रेजिडेंसी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक तो ये बात है, अच्छा दूसरी बात क्या होने वाली है, दूसरी बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तकरीबन एक साल से ये काम लगा हुआ है कि इमिग्रेंट जो ना स्पेशली पाकिस्तानी और अफगानी लोग ये इंग्लैंड से भाग के नॉर्दर्न आयरलैंड के ज़रिए आयरलैंड में दाखिल हो रहे हैं, जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। शायद आप लोगों को पता हो कि इंग्लैंड ने एक हिस्सा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है, तो लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि इंग्लैंड के अंडर है, मतलब कंट्रोल यूके का है, ठीक है, वहाँ पर कोई मतलब है कि चेक शेक कोई नहीं है, मतलब कि मैं उधर कितनी दफ़ा गया हूँ, आप आयरलैंड से इंग्लैंड में दाखिल हों और इंग्लैंड से आयरलैंड वापस आएँ, कोई भाई इमिग्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि लोग जनाब भाग भाग के जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का वज़ीर आज़म ऑलरेडी बेचारा रिज़ाइन दे दिया, अभी एक नया आया तो उन्होंने कहा भाई यूके वाले को भाई हम हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब तुम सारा माल चुके इतने पर सटने हो, रवांडा तो पता नहीं कोई तुमने जासी या ना जासी, जहाज़ खाली जासी तो वापस भी खाली आ सी, तुसी सारे लोग तुहाड़े सारे लोग नस नस के रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड चाहने पेन, असी पहले ही बड़े तंग आए हैं, यूक्रेन वाले बंदे उधरों पर आने, अफ्रीका वाले उधरों पर आने, सारी तो मत मारी गई है, छोटा जहा मुल्क आओ भाई जी वाले वास्ते पाने, ये रवांडा वंडा सू नहीं पता, सूँ ये पता है कि इधर लोग ना भेजो, तो असी जो लोग आए तो वापस भेजता, लेकिन इंग्लैंड आ गया भाई ना 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 असा लोग वापस ना लेने, जो वहाँ पर चले गए वो वापस नहीं आ सकते। अब मसला है कि लोग कहते हैं भाई रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जो लोग हैं वो कहते हैं भाई सीधे इमिग्रेशन लगा दो ना, बस जो भी उधर से है उसको चेक करो और जो इलीगल है उसको वापस भेज दो, ये भी नहीं, क्योंकि उनके जो लोकल लोग हैं वो इसी को एक्सेप्ट नहीं करते भाई, वो आयरिश लोग भी ना इधर से फारिग हैं, वो कहते हैं भाई नॉर्दर्न आयरलैंड एक्चुअली है ही हमारा, अगर इसके दरमियान आपने इमिग्रेशन लगाई कुछ ऐसा लगाया जिसका मतलब है कि नॉर्दर्न आयरलैंड सेपरेट होगा हमसे, हालांकि वो ऑलरेडी सेपरेट, लेकिन वो मानते नहीं है, ठीक है। अब ये सिचुएशन जी जा रही है बड़ी मतलब है कि इंग्लैंड में, तो इसलिए मैं आपको लोगों को कहता हूँ कि भाई ये बात जहन से आप निकाल लो कि आप लोग इंग्लैंड में जाओगे और इलीगल एंट्री आपकी मारोगे या आप वहाँ जाके इलीगल हो जाओगे तो फिर आपका मामला, वो कहते हैं जी मामला आपका बढ़ जाएगा, समझ आई ना, लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं है अपने लाखों रुपया खर्च करके अफ्रीका के जंगलों में जाओगे, वहाँ मच्छर तुम्हें खाएगा और तुम्हें लग पता जाएगा, समझ आई, ये है मेरी वीडियो। तो भाई अगर जाना है किसी भी मुल्क में जाना है तो लीगल एंट्री से जाएँ, अगर नहीं जा सकते तो दफा करो, वहाँ पर भी आसमान, यहाँ पर भी आसमान, वहाँ पर भी ज़मीन, यहाँ पर भी ज़मीन, ठीक है। तो ये है जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।